क्लास तीसरा पार्ट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका तीसरा पार्ट, उसको भी रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो थर्ड पार्ट इज रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी एज में ज्यादा है, 26 इयर्स ओल्डर देन रोहन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रेजेंट एज उनकी लेट करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन को हम एक्स मानेंगे, रोहन भी एक्स इयर्स, एज है तो इयर्स में होगी, एंड देन द एज ऑफ हिज मदर कितनी होगी, यस एक्स प्लस 26, क्यों, क्योंकि वो उससे 26 इयर्स ओल्डर है रोहन से, एंड द एज ऑफ रोहन्स मदर भी लिख सकते हो आप, या रोहन हिज मदर। अब आफ्टर थ्री इयर्स हम देखेंगे कि दोनों की एज कितनी होगी, रोहन्स एज कितनी होगी 3 साल के बाद, मान लो अभी x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 है 3 होगी, और मदर्स एज कितनी होगी, मदर्स एज वो x प्लस 26 है अभी, तो 3 साल बाद उसकी भी एज बढ़ेगी, तो प्लस 3 करेंगे वो आ जाएगा आपका x प्लस 29 ईयर्स की हो जाएगी, 26 प्लस 3 29 ईयर्स। तो ये 3 साल बाद दोनों की एज, पहले प्रेजेंट एज लेट की, बाद में दोनों की एक्स की रोहन और उसकी मदर उससे 26 इयर्स ओल्डर थी, तो एक्स प्लस 26, 3 साल बाद दोनों की एक्स प्लस 3 रोहन की होगी और एक्स प्लस 29 इसकी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा कि इनके दोनों की एज के प्रोडक्ट आफ्टर 3 इयर्स, मतलब रोहन 3 साल बाद की एज और उसके मदर के 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट है वो है 360। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 20 87 आएगा बच्चों, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस 360 इक्वल टू 0। तो बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी, वो आ गई आपकी, इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 7 3 15 में से 8 7 तो 273। तो दिस इज द रिक्वायर्ड, आपके पास ये आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द, इसी का लास्ट पार्ट है बच्चों, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड डिस्टेंस इज गिवन, तो डिस्टेंस इज गिवन 480 किलोमीटर, एंड A train is travels a distance of 480 km with uniform speed, constant speed. If the speed had been 8 km per hour less, अगर इसकी speed को 8 km per hour कम कर दे, 8 km per hour कम कर दे, तो it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो उसको 3 घंटे और लगते हैं जहां उसको पहुंचना है destination पर, उसको 3 घंटे और देरी से पहुंचती है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है वो है 480, और स्पीड कितनी है उसकी रखेंगे x, तो उसकी जो डिक्रीज स्पीड होगी वो x माइनस 8। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों इस तरह से, लेट द ओरिजिनल स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन हम मान लेंगे x, ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड होती यूनिट्स होते हैं किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में जो होता है। अब डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो दिया कवर करना है वो है 480 किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा इसका, टाइम टेकन व्हेन द स्पीड इज एक्स किलोमीटर, तो टाइम आपको पता कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 480 अपॉन एक्स क्या आएगा, आवर्स, क्योंकि टाइम है। तो जब हमारी स्पीड एक्स थी, डिस्टेंस 480 था, तो टाइम कितना लगेगा इसको, 480 अपॉन एक्स। अब हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज स्पीड कितनी है बच्चों, वो होगी एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो रही है, तो माइनस हो रही लेस, तो इसका टाइम क्या लगेगा फिर, तो टाइम टेकन आ जाएगा आपका व्हेन द स्पीड इज एक्स
minus 8 kilometer per hour, that is distance upon speed. 480 is distance and speed is x minus 8 kilometers. ये आ जाएगा आपका इसका time. So according to question क्या कह रहा है कि अगर आप स्पीड कम स्पीड में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगना है, अगर अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा. ये तो ऑब्वियस है ना कि स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाओगे टाइम ज्यादा लगना है. दैट मींस 480 जो टाइम हमारा है, 480 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8. जब उसने स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लग गया. ज्यादा का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन. 3 घंटे देरी से पहुंचा, दैट इज माइनस 3. तो याद रखिए, देरी टाइम ज्यादा लगेगा तभी जब आपकी स्पीड कम होगी. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आप, 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 480, आप इसको एक्स माइनस 8 तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 3x प्लस 24. तो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 480 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर 24x इज इक्वल टू आपके पास 480x माइनस 3840. तो 480x कैंसिल हुआ तो इसको आपके पास आ जाएगी ये, दिस इज, इसको अगर आप 3 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 टू जा 6 और 3 कितना बचा 24, 3 8 जा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या आएगी बच्चों, ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन.